स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, ठीक है। इस पे हम MySQL वाले वर्कबेंच पे जाते हैं, MySQL वर्कबेंच, और यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने आपको कौन कौन से फंक्शंस बता दिए थे मुस्कान, मैंने आपको कौन कौन से फंक्शंस बता दिए थे? हाँ, बाउंड एवरेज फिर एक तो हमारे पास एवरेज फंक्शन हो गया था, सम फंक्शन भी हो गया था, काउंट फंक्शन भी हो गया था, है ना। जहां तक हाँ मेरे को याद है इतने फंक्शन मैंने आपको बता दिए थे, राइट। सम एवरेज काउंट और लाइक ऑपरेटर हाँ, सम, काउंट और एवरेज। नेक्स्ट हमारे पास होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है माई सीक्वल मिनिमम फंक्शन है, तो मुझे अटैच करना पड़ेगा पैरेंथेसिस से, मुझे अटैच करना है पैरेंथेसिस से। एंड हमारे पास होता है मैक्स फंक्शन, और फंक्शन के लिए मुझे अटैच करना पड़ेगा इसको भी पैरेंथेसिस से, राइट। तो अब हम देख रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और कमेंट कर देता हूं। क्यों कमेंट कर देता हूं? क्योंकि ये क्वेरी नहीं है, ये सिर्फ हम सिंटैक्टिकली देख रहे हैं कि हमें करना क्या है। चलाते हैं, पहले अपन मिन फंक्शन देख लेते हैं, हाउ टू यूज द मिन फंक्शन, हाउ टू यूज द मिन फंक्शन। मेन फंक्शन बोल रहा हूं तो मेन को अटैच करा दो पैरेंथेसिस से। क्या करता है? मिनिमम जो फंक्शन होता है, ए स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करके दे देता है आपको सिलेक्टेड कॉलम में से। क्या बोला मैंने? मिनिमम फंक्शन जो होता है वो जो आप कॉलम सिलेक्ट करोगे उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो डेटा सेट था, उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी थी, और कस्टमर आईडी हमारे पास क्या थी? वन और टू, वन और टू। तो हमारे पास कॉलम कस्टमर आईडी में मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? वन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? टू। मैंने यहां पर कस्टमर एज क्यों नहीं लिया हुआ है? क्योंकि कस्टमर एज मैंने सिमिलर वैल्यू रखी थी, 23 23। ये सुनो, तो यस मैं यहां पर अगर अप्लाई करूंगा, तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करूंगा मिनिमम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो इसका सिंटेक्स आपको क्या लिखना पड़ेगा मैं बताता हूं। सबसे पहले अभी आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, फिर मैंने यहां पर लिखा मिन, और मिन फंक्शन है, इसके अंदर आपको इनपुट डालना पड़ेगा वो कॉलम नेम जिस पर आपको अप्लाई करना है। तो मैंने बोला कॉलम नेम हमारे पास था कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसके बाद मैंने बोला फ्रॉम टेबल नेम, हमारे पास टेबल नेम सीएक्स था, ठीक है, वेयर वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या फिर मैं आपको क्या कहते हैं, सेलेक्ट ठीक है, यहां पर मैं ऐसे करा दूं क्या? मैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलम, चलो ठीक है, सेलेक्ट मिनिमम कस्टमर आईडी फ्रॉम सीएक्स, वेयर वेयर सीएक्स एज इक्वल्स टू 23। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर नो डेटा भी सिलेक्टेड। अरे फिर से मुझे वापस से वही सारी चीजें करना पड़ेंगी, ठीक है, ड्रॉप करवा लेते हैं। क्या नया डेटाबेस बना लूँ मैं, या फिर यही रहने दो आप, है ना? ड्रॉप करना पड़ेगा बस पूरी सारी चीजें को, ड्रॉप डेटाबेस चलाया मैंने यहाँ से, फिर वापस जाते हैं और मैंने क्रिएट डेटाबेस कर दिया, यहाँ पर यूज कर दिया, मैंने टेबल बना ली यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल एंटर, इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया, इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट कराने की कोई जरूरत ही नहीं है अभी। और इसके बाद मैंने बोला कस्टमर के नेम को, कस्टमर की एज को, ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, कस्टमर की एज को एज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि सेलेक्ट मिनिमम कस्टमर आईडी फ्रॉम सी एक्स, सी एक्स नहीं किया है हमने उसको, कस्टमर ही किया है, कस्टमर ही किया है। और यहाँ पर मैंने वेयर सी एक्स एज, क्योंकि ऑल्टर कमांड नहीं चलाई, सिर्फ एज बोला है। ये सुनो, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं,
आप क्या प्रॉब्लम आ रही? टेबल का नेम चेंज कर दिया, फ्रॉम कस्टमर कर दिया। अच्छा मैंने रीनेम वाली कमांड नहीं चलाई ना अभी, इस वजह से मैंने रीनेम वाली कमांड चलाई। यहाँ पर मेरे पास कस्टमर ही तो थी, टेबल नेम, और कस्टमर आईडी थी हमारे पास वो जिसपे हमें अप्लाई करना है। इसको हमने प्राइमरी की, कस्टमर नेम एज, ठीक है, और एज 23 अभी ये हमने दी। कंफ्यूजन हो रहा है इसमें अभी, कि अगर हमने क्या कभी हम लोग चेंज कर देते हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बार चेंज होने के बाद वो रिटेन रहता है या नहीं रहता, अपन वापस कर देंगे अगर मतलब। आपने चेंज किया तो फिर आप जो अपडेटेड वैल्यू है वो ही यूज होगी, आपकी पुरानी वैल्यू वहां से हट बट जाएगी। अगर अपन पुरानी वाली वापस कर देंगे जैसे रन, तो फिर वो रीसेट करा हुआ हट जाएगा ऐसा कुछ है? नहीं, दोबारा से ड्रॉप करवाओ, फिर दोबारा क्रिएट करो उसके लिए, उस नाम तो को। अभी अपन ने ड्रॉप करा क्या CX? हाँ ड्रॉप नहीं, मैंने वो रीनेम वाली कमांड ही नहीं चलाई ना, ये तो मैंने प्रीवियस चला ली थी। हमने केवल चार ही कमांड चलाई ना, क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद यूज डेटाबेस, क्रिएट टेबल, उसके बाद इंसर्ट टेबल, बस। हमने रीनेम चलाई ही नहीं, हमने तो वो फंक्शन देख रहे थे अपन। तो मैंने बोला सिलेक्ट, यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं, फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट वियर कस्टमर नेम, इक्वल्स टू मुस्कान एंड एंड शुभम यहाँ कस्टमर आईडी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर कस्टमर नेम रख देंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर आईडी मुझे लगता है प्राइमरी हमने डिफाइन की हुई है, उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, वेयर क्लॉज ना भी चलाओ तो शेयर कस्टमर आईडी ना चलाओ, फ्रॉम फ्रॉम सिलेक्ट मिनिमम कस्टमर आईडी फ्रॉम लिमिट, क्या बोल रहा है? एल डॉट कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही क्या? ये टेबल तो अपन ने की थी, एक मिनट ड्रॉप करवा लेते। ड्रॉप टेबल करते, ड्रॉप डेटाबेस, फिर से कर लेते एक काम करते हैं। क्रिएट देखते जाना, क्रिएट यूज कराई, उसके बाद टेबल को क्रिएट किया, इसके बाद इसके अंदर डेटा डाला, और इसके बाद हमने डेटा फेच कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब मैंने बोला मुझे चलाना है यहाँ पर मिनिमम फंक्शन, तो मिनिमम फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया सिलेक्ट लेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा उस कॉलम का नाम कस्टमर आईडी, और उस टेबल में से फाइंड आउट करना है। सो हमने कंट्रोल एंटर प्रेस कर, चल तो गई। अरे वो ड्रॉप कमांड नहीं चला पाते इतना पर, मतलब बार बार मैंने उसको वो क्या बोला था, देखो ना नीचे बोल रहा था एल डॉट कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, देखो लिखा आ रहा था यहाँ पर एल डॉट कस्टमर नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास वो टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। टेबल एग्जिस्ट करने के लिए फिर मैंने दोबारा से डेटाबेस को क्रिएट किया, उसके अंदर डेटाबेस को यूज कराया, दोबारा से क्रिएट टेबल कमांड चलाई, इंसर्ट कमांड चलाई, और फिर मैंने बोला इंसर्ट कमांड चलाने के बाद मैंने क्या बोला कि अब मैंने सिलेक्ट डेटा कराया, और फिर मैंने वो फंक्शन अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इन चीजों को देखना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब अगर आप एक सिक्वेंस में देखते हो कि वो कमांड क्यों ही चल रही होगी, क्योंकि वो टेबल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब टेबल जब एग्जिस्ट करी तो आपके सामने रिजल्ट आ गया, मिनिमम कस्टमर आईडी 1 है, मतलब
उन दोनों में, वन और टू में दो जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें जो मिनिमम है वो क्या है, वन है। कोई डाउट मुस्कान? नहीं। अब मुझे मैक्सिमम भी बना सकते हैं, तो मिनिमम के बाद मैक्सिमम चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, इसके बाद फिर मिनिमम फंक्शन, उसके बाद मैंने बोला कस्टमर आईडी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आईडी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो, फ्रॉम, कौन सी टेबल का नाम है वो कस्टमर, और इसके बाद मैंने सेमी कॉलन लगाया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया दो, इसके बाद ए क्वेरी चल गई। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। यहाँ मैक्सिमम कर देंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो, चल गई क्या मैक्सिमम? तो यस और नो? तो दोनों हमारे पास जो फंक्शन है, अब हमारे पास टोटल फंक्शन हमने पांच पढ़ लिए, फाइव फंक्शंस पढ़ चुके हैं, एवरेज, सम, काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम, ये पांच फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। इन पांचों फंक्शन का जल्दी से मुझे काम बता दो कि किस फंक्शन का क्या रिटर्न करता है, कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फास्ट। एवरेज 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 पहली बात तो देगा। आपको ये बोलना है एवरेज, काउंट और जो हमारे पास सम फंक्शन होता है वो नल वैल्यूज पर अप्लाई नहीं होता है, कॉलम में कहीं भी नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, सम एंड एवरेज में नल वैल्यूज पे काउंट नहीं होगा। यस, नेक्स्ट। देन उसका उसका फॉर्मेट बोलना है, उसका सिंटेक्स होगा एवरेज का, सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। वैसे सम का होगा सेम टू सेम होगा, एवरेज की जगह सेम और उससे हम समान। किसी भी, मतलब उसको हम पूरे के पूरे कॉलम को भी हम सेलेक्ट करवा सकते हैं स्टार लगा के, या फिर हम अपने हिसाब से स्पेसिफिक कॉलम को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। सुनो, नेक्स्ट हम सिलेक्ट पढ़ रहे हैं कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, नहीं तो सिलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। फ्रॉम टेबल नेम या फिर जो भी, राइट। हाँ अब मैंने बोला नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इन फंक्शंस के बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो एक हमारे पास ऑपरेटर के केस में ही एक ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं इन ऑपरेटर, इन और नॉट इन, इन और नॉट इन, देखते हैं कैसे। माय सिक्वल इन ऑपरेटर, माय सिक्वल इन ऑपरेटर क्या होता है, इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। कैसे यूज करते हैं इन ऑपरेटर, इनका मतलब होता है मैं, इनका मतलब होता है मैं, इसको मैं यूज करके बताऊंगा वो ज्यादा आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा, मैं इसको यूज करके बताऊंगा वो ज्यादा आपको प्रैक्टिकली समझ के आएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट, इसके बाद मैंने बोला कॉलम नेम, तो कॉलम नेम मैंने ले लिया कस्टमर नेम, कॉलम नेम ले लिया मैंने कस्टमर नेम, फ्रॉम टेबल नेम हमारे पास क्या थी कस्टमर, इसके बाद मैंने फ्रॉम लगा के कस्टमर लिख दिया, इसके बाद मैंने बोला वेयर, फिर इसके बाद कॉलम नेम, कॉलम नेम, तो यहां पर मैंने कॉलम नेम क्या दे दिया कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी मैंने बोला इन, कस्टमर आईडी इन, यहां पर वैल्यू वन वैल्यू टू डिफरेंट डिफरेंट आप लिख सकते हो, मैंने बोला कस्टमर आईडी वन कॉमा टू, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलन लगाया, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, क्वेरी चल गई, देखो दोनों नाम आ गए, देखो दोनों नाम आ गए। कोई डाउट क्या बोल रहा है, अब समझते हैं। पहले हमने एग्जीक्यूशन कर लिया, क्वेरी एग्जीक्यूट करके देख ली, रन करके देख ली, अब हम समझते हैं उसका मतलब क्या है, अब समझते हैं उसका मतलब क्या है। मैंने बोला इन ऑपरेटर का मतलब होता है मैं, इन ऑपरेटर का मतलब होता है मैं, मतलब वो जो डेटा आप डाल रहे हो वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो मैंने अभी केवल क्या कराया, मैंने सिर्फ अभी सिलेक्ट केवल कस्टमर नेम को ही मैंने पिक किया, क्या मैं सारे कॉलम एक साथ पिक कर सकता हूं? हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर, फ्रॉम टेबल नेम, इसके बाद मैंने बोला वेयर, इनका इनका क्या था उसके अंदर? इसके बाद हाँ मैं मतलब होता है वो कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए, वो कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए, वो वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए उस कॉलम के अंदर। मैंने बोला वेयर कस्टमर आईडी इन वन और टू, जहां कस्टमर आईडी वन और टू है
उस टेबल में से कस्टमर नेम फाइंड आउट करके दो। उसने शोभा मोम मुस्कान मुझे फाइंड आउट करके दे दिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, पूरे कॉलम सारे कॉलम उस कस्टमर नाम की टेबल में से फैच करके लाओ जहां कस्टमर आईडी 1 और 2 है। तो मैंने बोला वियर कस्टमर आईडी इन ब्रैकेट के अंदर 1, 2 सेमी कॉलम, कंट्रोल सारे एंटर सारे कर। कॉलम आ जाएंगे। यस यस, ठीक है, डेटा फेच करने के कई तरीके हैं, जो भी जब भी आपको जरूरत पड़े उन डेटा क्वेरीज का यूज करते हुए आप डेटा को फेच कर सकते हो, आप अपने डेटा को फेच कर सकते हो। यस सुनो नो। यस। अब यहां पर मैं क्या एक चेक कर सकता था, मैं क्या स्पेसिफाई 2-3 कॉलम भी एक साथ लिख सकता था? हाँ बताइए क्या क्वेरी चलाएंगे। एक कॉलम लिखा है मैंने, सारे कॉलम फेच किए, क्या मैं अपने हिसाब से 2-3 कॉलम को भी सिलेक्ट करके फेच करवा सकता था? बताइए क्या लिखेंगे क्वेरी। सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी कॉलम फेच करना है, फ्रॉम टेबल नेम क्या लिखें? सेलेक्ट सिलेक्ट। स्टार तो लिखना नहीं है, कॉलम नेम लिखना है। तो हाँ, एक तो अपन कॉमा, कस्टमर नेम ले लेते हैं, इसके बाद कॉमा लगा के एज ले कस्टमर लेते आईडी हैं डी एज ले ले। ओके, कंट्री और कंट्री ले लेते हैं। कंट्री दिया था ना अपन ने, हाँ ठीक है। इसके बाद बस 3 ही कॉलम ले लें। कहाँ से फ्रॉम निकालना है? फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर, इसके बाद जहां, यहाँ, वेयर वेयर वे कस्टमर आईडी इक्वल टू 1 2। कस्टमर आईडी, यहाँ पर 1 और 2 हो, ब्रैकेट क्लोज, इन तो कंट्रोल आए ही एंटर। क्या? नहीं, इन हाँ वेयर कस्टमर आईडी इन, इधर लिखना ना, कंट्रोल एंटर। चल गया, 3 ही कॉलम आ गए फैश होके। हमने डेटा क्या कर लिया, रिट्रीव कर लिया यहां से। क्या कर लिया? डेटा रिट्रीव कर लिया। अब मैंने बोला एक होता है इन और एक होता है नॉट इन, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। नॉट इन का मतलब अभी इन क्या इसके बोल रहा था अलावा वो डेटा होना सिलेक्ट चाहिए था, और नॉट इन बोलता है कि उसके अंदर वो डेटा नहीं है तो वो फेच करके दे दो। तो सेलेक्ट, मैंने बोला वही कस्टमर नेम कॉमा एज कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी नॉट इन, जहां पर 1 और 2 आईडी नहीं हो वो डेटा फेच करके दे दो। तो अभी तो हमारे पास 1, 2 के बाद कोई रो ही नहीं है, 2 ही तो रो है, तो नल वैल्यूज आ जाएगी क्योंकि हमने यहां पर डेटा डाला। यस और नो? यस और नो? 1 और 2 के अलावा जितने भी होंगे वो दे दो, ऐसा। हाँ तो वो तो है ही नहीं ना हमारे पास, 2 तो रो ही है हमारे पास, नहीं, दो ही मतलब तो कॉलम। ज्यादा डेटा हो तो मतलब हाँ नॉट इन, उसके अलावा जो भी है वो आ जाएगा। ठीक यस यस, मतलब है, फिल्टरेशन कई काम तो कर रहा है, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम डेटा फेच करके दे रहे हैं। राइट जैसे इसको मैं कस्टमर आईडी पे अप्लाई कर रहा था, आप मुझे नेम पर अप्लाई करके बताओ कि मैं इसको कैसे लिखूंगा फास्ट। सिर्फ नेम निकालना है टेबल में से। नहीं आप तो पूरा कॉलम निकलवा दो, लेकिन मुझे यहाँ पर जो वियर के साथ मैं फिल्ट्रेशन के लिए कॉलम यूज कर रहा हूँ कस्टमर आईडी, वहां मैं कस्टमर आईडी यूज नहीं करना चाहता हूँ, कस्टमर नेम के हिसाब से डेटा रिट्रीव करना चाहता हूँ। सो हाउ टू रिट्रीव द और डेटा? कौन कौन सी कॉलम चाहिए? सारी हाँ सारे ले आओ, सारे ले आओ, तो सारे ले आओ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर कस्टमर वेयर वियर, कस्टमर नेम इन 1 मिनट, वेयर कस्टमर नेम, वेयर कस्टमर इन नेम इन ब्रैकेट में मुस्कान और नाम आएगा वो शायद। शायद नहीं आएगी, के बाद शुभम ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। यस नहीं, ओके, पर ये आया क्यों नहीं सब सारे कुछ? कॉलम आ गए, सारे कॉलम आ गए।
नहीं पर डेटा नहीं आया अंदर। डेटा नहीं है, डेटा देखो ना, हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर में से सारे कॉलम फाइंड आउट, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम, सारे कॉलम फाइंड आउट करके दो जहां डेटा पर कस्टमर नेम मुस्कान और शुभम है, नो। जहां पर, वहां जहां पर देखो, जैसे अगर एक कॉलम अपन और फाइंड आउट मुस्कान करके और दे शुभम के बीच में कॉमा नहीं आएगा, हैं, चलेगा? कॉमा डाल मुस्कान देते, कॉलम कॉमा नहीं डाला था हमने यहाँ पे, तो भी आ गया था, रन हो गया था, एक मिनट, अब आएगा डेटा, अब आया वो कॉमा नहीं था क्योंकि वो शायद। स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा था। ये भी चीज समझने की है ना कि अगर डेटा स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो डेटा नहीं आ रहा था, कॉलम फेच आउट हो रहे थे, समझ आ रहा, मतलब कभी कभी क्वेरी चलाने के बाद कुछ चीजें हमें खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाती हैं। हमने वहां पे कॉमा नहीं डाला था, मतलब क्वेरी तो रन हो रही थी क्योंकि सिंटेक्टिकली कोई एरर नहीं था, हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डाली थी और वो वैल्यूज एक ही वैल्यूज फाइंड आउट करके दे रहा था, तो कोई डेटा नहीं आया था, यस और नो। लेकिन जब मैंने कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया, इसका मतलब कि मुस्कान एक वैल्यू वन हो गई और शुभम एक दूसरी अदर वैल्यू हो गई, उन दोनों को जहां पर है कॉलम वहां पर हमें डेटा फेच करके दो। यहाँ पर अगर नॉट इन में यूज करूंगा तो क्या यूज करूंगा मुस्कान में, सॉरी, नॉट इन चलाऊंगा तो मैं कैसे यूज करूंगा, मतलब इसी को अगर नॉट इन करके ऑपरेटर का जस्ट यूज इनकी करूंगा, जगह नॉट आगे लगा दो। सेलेक्ट, अब मुझे कॉलम बताओ, मतलब सारे कॉलम नहीं चाहिए मुझे, विच कॉलम यू नीड? कस्टमर आईडी एंड कस्टमर एज, ओके सो कस्टमर आईडी कॉमा एज। कस्टमर आईडी कॉमा एज फ्रॉम, फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम कस्टमर वेयर वेयर कॉलम वेयर इन नहीं वेयर नेम जिस पर अप्लाई करें, वेयर नॉट इन वेयर कॉलम नेम, वेयर कौन सा ले? आईडी ले ले, कस्टमर आईडी आईडी तो हमने वहां से फेच करवा ही रहे हैं ना, कस्टमर नेम ले तो लो, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम नॉट इन, नॉट इन मुस्कान और शुभम ब्रैकेट में, और वो भी कॉमा लगाकर कोट के अंदर, सेकंड डबल कोट के कोट अंदर, के अंदर। हाँ मुस्कान कॉमा और शुभम ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल एंटर, ठीक है चल गया, चल गया, ठीक है आ गया ना हाँ नल वैल्यूज, क्योंकि हमने नॉट इन किया हुआ है, हमने नॉट इन किया हुआ है, गुड आउट। नहीं तो हमारे पास ये जो इन था और नॉट इन था, ये वाली कमांड्स भी हम चला चुके हैं। एलियाज मैंने आपको बता ही दिया था, एलियाज बताया था मैंने, अगर अपने हिसाब से कोई हमें नाम, बड़ी नाम सेलेक्ट करके देना है तो अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ओ आर जी से आपको फेच करना है, बड़ा नाम है ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपने हिसाब से ओ आर जी नाम दे दिया, ओ आर नाम दे दिया, बताया तो था, एक बार फिर से देख लो। अब हम देख रहे हैं मास इक्वल एलियाज, एलियाज, ठीक है, इसके हिसाब से एलियास का मतलब होता है घर का नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्कान का नाम आपका घर का नाम कुछ होगा, जैसे मेरा नाम मोहित है, ठीक है ना, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोफेशनल नेम है और घर का नाम ऑर्गेनाइजेशन का अपन बोल देंगे ओ आर जी। तो अगर आपको अपने हिसाब से जो नेम है उसको देना है, वो आप एलियास के फॉर्मेट में दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट बस यहाँ पर एलियास के लिए कीवर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, एज, ए एस एस, बस एलियास के लिए एज कीवर्ड का यूज करना होता है। तो हमने सेलेक्ट लिखा, यहाँ पर कॉलम नेम लिखा, कॉलम नेम लिखा, तो हमने यहाँ पर कॉलम सिले नेम क्या, नहीं, मैं अगर ऐसा बोल रही थी, अगर ऐसा करे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल नेम एज, नहीं नो देखते हैं, देखते हैं, चल वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है अपने हिसाब से। सेलेक्ट कॉलम नेम दो पहले, तो पहले कॉलम नेम के कस्टमर सिंटेक्स, आईडी हाँ और पहले कस्टमर कॉलम नेम नेम। के कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ठीक है, कॉमा कस्टमर अब नेम। इसको हम अपने हिसाब से नाम क्या देना चाहते हैं, सो हमने क्या लिखा यहाँ पर एज, ठीक है अच्छा हाँ उसका नाम लिखो, अच्छा
कॉलम को रीनेम करें, आई थॉट कि वी आर रीनेम नहीं, रीनेम नहीं रीनेम। कर रहे हैं, रीनेम नहीं कर रहे हैं, आप डेटा इसी के हिसाब से फेच होगा, जो मैं नया नाम देना चाहता हूँ उस कस्टमर आईडी, तो सीआईडी दे दूं मैं, सीआईडी दे दूं या फिर कस्टमर आईडी की, CXID कर दो, CXID कर दो, CXID तो कस्टमर आईडी। CXID कर दो, ठीक है ठीक है। अब मैंने बोला कहाँ से, फ्रॉम, टेबल तो कस्टमर थी, ये ऐसा कर सकते हैं ना, जो जो बड़े बड़े कॉलम के नाम हो उसको ऐसा एलियास छोटा छोटा दे दो ताकि फटाफट हो जाए। हाँ ऐसे ही करते हैं, इसलिए तो एलियस आया, इसलिए एस कीवर्ड आया, तो हमने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, देखो डेटा आ गया, देखो डेटा आ गया, और वहां कॉलम नेम देखो CXID लिखा है, जो कस्टमर आईडी होना चाहिए था वो क्या लिखा हुआ है, CXID, मतलब चेंज हो गया, क्योंकि एरियाज के हिसाब से हमने डेटा फेच किया है। मुझे कॉलम का नाम चेंज नहीं करना, बट मेरे को सिर्फ क्वेरीज में CXID यूज करना, बट आई वांट कि टेबल में कस्टमर आईडी है पूरा लिखा रीनेम हो। कर दो, रीनेम कर दो उसके लिए, मैं तो डेटा रीनेम फेच करूँ, हाँ रीनेम के लिए है ना, रीनेम कर दोगे तो फिर अब वो रिटेन हो जाएगा वही जो आपने CXID किया, वो कितने में तो किया हुआ है हमने प्रीवियस, देखो ना आप इतना कुछ करके रखे हैं अपन, रीनेम वाली कमांड में हमने सब कुछ चूज करके बताया था आपको, देखो यहाँ पर ऑल्टर टेबल किया है ना, देखो ऑल्टर टेबल CX रीनेम नेम एज टू CX, अब एज क्या हो गया, CX हो गया, फोन क्या हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, वहां से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नी वाला मेरे को यहाँ करना पड़ेगा, मैं भूल गई अल्टर टेबल कॉलर ने। करो, भूलना नहीं है, भूलोगे तो प्रॉब्लम आती जाएगी, दिन पर दिन आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी जब पूरा एक बार बल्क में इकट्ठा हो जाएगा, कैसे करोगे, वो ठीक है रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है तो उनसे अपन एक बार दोबारा देख सकते हैं, लेकिन कब तक देखोगे, है ना, अगर आज का काम आज ही हो गया तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। अब अगर अपन टेबल नेम को एलियास देना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट कॉलम नेम हमने लिखा कस्टमर आईडी, ठीक टेबल को है देना है तो कॉलम लिखेंगे। रुको एक मिनट, हमने लिखा कस्टमर आईडी, अब मैं AS यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, AS का मतलब यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा कस्टमर आईडी, मैं फेच कर रहा हूँ डेटा, ठीक है, या एक काम करो इसमें प्रॉब्लम आ रही स्टार लगा दो, क्योंकि कॉलम में प्रॉब्लम हो सकती है कि आए वहां पे, तो मैं सिर्फ एक कॉलम चाह रहा था, स्टार लगा के सारे कॉलम चाह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैंने बोला फ्रॉम, टेबल नेम क्या था हमारे पास, कस्टमर, यही था, ऐसे डेटा फेच हो जाएगा, करके देखे कंट्रोल एंटर आ गया, लेकिन कस्टमर हमें क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है नाम, मैंने क्या बोला, सिलेक्ट कराओ, स्टार कराओ, फ्रॉम लिखो, कस्टमर लिखो, और अब नाम दे दो उसको, अब नाम दे दो ऐसे उसको CX, अब ये नहीं मान लो बोला कि CX ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट लेट्स सी। क्या, हमने रीनेम नहीं चलाई है क्वेरी कहीं पर भी, हमने अभी एलियास देके वहां से हम फेच करना चाहते हैं बस, अभी यहां पर हमने सिर्फ एक कॉलम के ए व्हाट यहां इज द पर डिफरेंस बिटवीन रीनेम एंड एलियास, मतलब वो दोनों सेम ही तो है। सीने, हाँ मतलब आप नाम दे रहे हो ना, रीनेम करने का मतलब ये होता है कि आपने जहां पर आपको जरूरत पड़ रही है नया नाम देने की वहां पर आप नया नाम दे दो, रीनेम टू करके कीवर्ड का यूज करते हुए, एलियाज अगर अपन दे रहे हैं तो डेटा फेच करने के लिए यूज कर रहे हो, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन करना किसी भी चीज में, अपडेशन करना, एलियाज का मतलब क्या होता है कि मैं सिर्फ डेटा को फेच कर रहा हूं, तो मैं पुराने नाम से भी कर लूंगी तो भी चल जाएगा, हाँ कोई ठीक दिक्कत है। नहीं, एलियास में करने के वो नाम नहीं हो, किसी भी नाम से करो, लेकिन एक बार अगर अल्टर कर दिया, रीनेम हाँ करा तो तो फिर हैव टू वो यूज द न्यू नेम। यस बट ठीक है, अब यहां पर किसी एक कॉलम को फेच करते हैं, सेलेक्ट, अब मैंने बोला कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, एंड इसके बाद हमने बोला फ्रॉम कस्टमर एज, मैंने बोला सी एक्स कॉलन, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, देखो डेटा आ गया,
दो ही हमने अभी कॉलम लिए, दो ही हमने अभी कॉलम लिए, ठीक है। यस अब इसके हिसाब से मैं एक बार मल्टीपल कॉलम के साथ ही बता देता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा सिलेक्ट सिलेक्ट कस्टमर आईडी एज, क्या लिया हमने, CXID सपोज, ठीक है, कॉमा, मल्टीपल कॉलम के नाम चेंज करना चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम के नाम चेंज करके डेटा फेच करना चाहते हैं। सिलेक्ट का मतलब होता है फेच करना, मल्टीपल कॉलम के नाम चेंज करके डेटा फेच करना चाहते हैं। सो हमने लिखा सिलेक्ट कस्टमर आईडी एज CXID, हम उसको CXID यूज करेंगे। एंड इसके बाद मैंने बोला कस्टमर नेम, कस्टमर नेम एज, एज का मतलब अब हम उसको लेंगे सी नेम, ठीक है, सी नेम सी एक्स ही रख दो सर, तो कंफ्यूज रहेंगे। सी ए सी एक्स, कस्टमर एन कैप नेम यस ठीक है। नहीं एन सही। ठीक है, कॉमा, एज जो था एज को हमने बोला एज सी एक्स एज, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम हम टेबल को भी चेंज कर रहे हैं, फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर एस एस सी एक्स सी एक्स कॉलन, यहां पर एक मिनट, यहां पर हमने क्या किया, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, देखो डेटा आ गया। एक बार प्रैक्टिस करो मुस्कान, है ना, क्योंकि सिर्फ अगर हम देखते हैं ना तो देखने से तो समझ आ जाता है कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, पर कई सारी चीजें ऐसी होंगी कि इनको भी हम सेम लेके चले या फिर इनको भी, जैसे रीनेम वाली में प्रॉब्लम है तो रीनेम करके देखो या फिर सीएक्स करके देखो, और फिर इन दोनों में देखो कि कौन सी चीजें मैच हो रही हैं, कौन सी चीजें मैच नहीं हो रही हैं, क्यों मुझे ऑल्टर कमांड की जरूरत पड़ी, क्यों मुझे अपडेट कमांड की जरूरत पड़ी, क्यों मुझे एलियास की जरूरत पड़ी। तो ये सब चीजें खुद से सोचो तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, तब तो मजा आएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर हमें थोड़ा सा इसमें, इसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, अभी मैं नहीं बता रहा हूं वो, अभी इसमें भी अभी थोड़ा सा मतलब सिंटेक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, कम से कम 3-4 लाइन का हो जाएगा, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो कब करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। अभी सिर्फ हमें एक, ये बहुत छोटे छोटे से कॉलम है, उनका नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, टेबल का नाम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, मल्टीपल कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और कॉलम का नाम टेबल का नाम भी वहीं पर चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। नो अब हमारे पास आता है, एक तो होता है अब ज्वाइंस आ जाते हैं, कीज आ जाती है, और कुछ फंक्शनैलिटी आ जाती है, तो वो मुझे लगता है कि मैं आपको बाद में बताऊं, लगता हूँ एक होता है ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई, वो बता दूं क्या, ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई, ठीक है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली फिर कीज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, प्राइमरी की और फॉरेन की, और कुछ फंक्शन होंगे। एक काम करो पहले इतना कर लो, है ना, क्योंकि अब थोड़ी सी चीजें बड़ी हो जाएंगी, है ना, वो एक साथ नहीं करवा सकते, समझ आ रहा है मुस्कान। यस इतना जितना भी हमने डेटा दिया हुआ है इन सबको बहुत अच्छे से करके देखो, आज के आज अभी बैठ जाओ, मुझे लगता है 1 घंटे का काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे, कल से नए जो कॉन्सेप्ट आने वाले होंगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल और वो ही मेन कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन वो मेन कॉन्सेप्ट तब तक नहीं हो सकते जब तक इन सब चीजों का यूज हमें समझ नहीं आ जाता, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि इसके अंदर अभी 3-4 लाइन का एक सिंटेक्स होता है टेबल को अपडेट करने के लिए, एलियास देने के लिए, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं कल बता सकता हूँ, परसों बता सकता हूँ, ठीक है। तो इतना करो पहले एक बार, ठीक ओके है। और मैं आपको अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसमें लैपटॉप में नहीं है वो आपकी पीपीटीज, मैं इसमें डाल देता हूँ और फिर मैं उससे आपको वेरीफाई करके बता दूंगा कि हमने क्या क्या आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ लिया है और क्या क्या हमने अपने अकॉर्डिंग पढ़ लिया, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि हम उस यूनिवर्सिटी के हिसाब के सिलेबस का यूज कर रहे हैं या इंटरव्यू परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं या फिर जो इंडिया के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंडस्ट्री है, यहाँ पर ज्यादातर सिक्वल के अंदर क्या क्या चीजें पूछते हैं वो हम
कवर कर रहे हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है? ठीक ओके है, ओके ओके, बाय। लास्ट में एक ना हम लोग सर जैसा कुछ प्रोजेक्ट जैसा कर लेंगे, अच्छा बड़ा वाला, जो तो सारी चीज यूज हो रही है, कैसा कुछ प्रोजेक्ट जैसा करना है मुझे ठीक है, प्रोजेक्ट अपन कर लाइव। लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इंटरव्यू सेशन भी आपके करवा दूंगा, अभी जैसे आपका मैंने बोल दिया है, नेक्स्ट जो संडे है उसमें हम सारा कुछ आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक ओके है? टेंशन फ्री रहो, बस पढ़ते जाओ। अब जैसे आपका क्या रहता है ना, शेड्यूल बिगाड़ देता है सब चीज, उस चीज को कैसे भी करके मैनेज करो। जो काम हमें करना है उस काम को करना ही है, मतलब उसके अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। अब वो जो भी चीजें वो अदर थिंग्स हैं, या गॉट ठीक है? इट या राइट राइट। और ऐसे करोगे तो हो जाएगा। जो आपका जो 4 मंथ्स का ड्यूरेशन, उसमें भी जब 4 महीने के बाद आप सोचोगे कि यार अब सही हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हूं और जो मेरी मेहनत थी वो सफल हो गई, एक तरह से, है ना? ठीक है, यस ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। थैंक यू। गुड नाइट। बाय बाय।